यूपी के हमीरपुर जिले में एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुमशुदगी के 30,05,000 कीमत के 156 मोबाइल बरामदगी का खुलासा करते हुए बरामद करने वाली सर्विलांस टीम को इनाम दिया है। ये मोबाइल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से विगत दिनों में खो गए थे और मोबाइल स्वामियों ने अपने मोबाइल को खोने की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने इन मोबाइलों को खोजकर मालिकों को मोबाइल की सुपुर्दगी कराई गई है। दरअसल ये मामला हमीरपुर जिले का है, जहां जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों से महंगे एंड्रॉइड मोबाइल फोन आम लोगों के खो गए थे या फिर गिर गए थे, जिसकी शिकायत मोबाइल स्वामियों ने पुलिस से की थी, जिसके बाद एसपी ने निर्देश दिया था। सर्विलांस की टीम निर्देश पर सक्रिय हुई और गुमशुदगी के 30,05,000 रुपए कीमत के 156 मोबाइल फोन बरामद करते हुए खुलासा किया है। एसपी दीक्षा शर्मा की माने तो खोए हुए विभिन्न मोबाइल विभिन्न जिलों के साथ विभिन्न राज्यों से बरामद किए गए हैं। एसपी ने खुद मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल सौंपे हैं, साथ ही साथ मोबाइल बरामद करने वाली पुलिस टीम और सर्विलांस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मोबाइल पाकर लोगों में खुशी दौड़ गई है। आज जनपद हमीरपुर की सर्विलांस टीम के द्वारा 156 खोए हुए गुम हुए मोबाइल लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 30,00,000 रुपए है। ये फोन हमने डिफरेंट स्टेट से बरामद किए हैं, कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट से भी बरामद किए हैं। तो लोगों से एक अपील है कि अगर इनके फ़ोन कभी गुम हो जाएं या किसी इसमें खो जाएं, तो ये लोग थाने पे जाके उसको नोट करा दें, जिससे उसकी डिटेल्स हम लोग अपने सर्विलांस सेल में ले लेते हैं और फिर उन पर लग के उनको IMI के थ्रू या अन्य सोर्सेस है उनको पता लगा के उनको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं।